रायपुर से अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां शहर में बढ़ रहे किडनैपिंग के मामले, एक हफ्ते में 5 नाबालिगों को अगवा कर लिया गया। शहर और ग्रामीण इलाकों से ये मामले जो है सामने आए हैं। खमतराई, सरस्वती नगर, आरंदा, तिलदा, नेवरा की नाबालिग बच्चियां हैं जिनके नहीं मिलने पर अब मामले दर्ज कराए गए हैं। तो लगातार किडनैपिंग के मामले शहर से बढ़ते जा रहे हैं और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर बच्चियां जो है वो किडनैप हो गई हैं। टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस आखिरकार क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामलों पर? देखिए, राजधानी रायपुर में करीबन एक सप्ताह में अपहरण का ये मामला सामने है, जहां पर शहर और उसके आसपास के इलाकों में नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुए हैं। सप्ताह भर में जो अलग अलग थानों में करीबन 5 लड़कियां गायब हो गई है। परिजनों ने आसपास में पूछपरछ भी किए, अगर लड़की नहीं मिलने पर जो थाना जाकर लड़की के अपहरण होने की भी शिकायत दर्ज की, लेकिन सबसे ज्यादा आरंग पुलिस में भी लड़की नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने। परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा कि कई जो लड़कियां हैं वो घर से सामान लेकर निकली थी या किसी बहाने से निकली थी, उसके बाद घर वापस नहीं आने पर देखी तो लड़की घर में नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों से पूछपरछ करने पर पता चला कि घर से बिना बताए कहीं चले गई। तो ऐसे कई मामले हैं जो राजधानी रायपुर के लिए सबब बनी है। निश्चित तौर पर कई नाबालिग लड़कियों को बला फुसला कर भगा ले गए, या फिर 14 साल की जो अन्य नाबालिग है जो सरस्वती नगर थी इलाके की है वो भी कल शाम से गायब है। तो ऐसे में अपहरण के कई ऐसे मामले हैं जो राजधानी रायपुर के लिए सबब बनी है, और राजधानी रायपुर में निश्चित तौर पर एक के बाद एक अपहरण के जो मामले बिल्कुल ये चिंताएं भी बढ़ाते हैं टिकेश, क्योंकि ये तमाम जो है नाबालिग लड़कियां हैं और इनको बरामद तो करना ही है, इसके अलावा भी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया टिकेश इस पूरी जानकारी के लिए।